तो हाय फ्रेंड्स, आज यहाँ लच्छे की पकौड़ी रेडी हो गई है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये आप किसी व्रत में त्योहार में खा सकते हैं। तो इसे झटपट बनाइए और खाइए। तो यहाँ पर हमें सभी आलू को जो है छील लिया अच्छी तरह से। अब इसे कद्दूकस वाला मशीन से लेकर आप इसे जो है, ये बड़े आकार का है तो थोड़ा खाने में अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से सभी को आप पहले कद्दूकस कर दें और आलू को छीलने के बाद एक बार अच्छी तरह से फिर धो लें, क्योंकि आलू में जो है मिट्टी काफी होती है। आज ये बन रहा है लच्छा वाला पकोड़ा। तो ये अगर रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो एक बार आप जो है ट्राई जरूर कीजिए घर पर। तो इसे आप जो है सभी को इसी तरह से बारी बारी से आप जो है कद्दूकस कर लीजिए। यहाँ हमारा आलू जो है कद्दूकस हो चुका है। इसी तरीके से आप पानी में इसे जो है डुबो कर और इस तरीके से इसे अच्छी तरह से धो लें और दूसरे बाउल में जो है आप इसे कन्वर्ट कर लें। तो इस तरीके से पानी को आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको निचोड़ लेना है, तभी हमारा अच्छा से लच्छा वाला पकौड़ी बन पाएगा एकदम इस तरीके से। सभी को आप जो है इसमें पहले, तो लच्छा वाला पकौड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने जो है आलू को कद्दूकस कर लिया है, अच्छी तरह से धो लिया है। तो आप इसे किसी भी व्रत त्यौहार में आप इसे बना कर खा सकते हैं। तो यहाँ पर लच्छे वाले पकौड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ बेसन लिया है, तो छोटी चम्मच से आप जो है इसमें 4 चम्मच पहले में डाला है, और चना यहाँ पर आप जो है कम से कम 10 ग्राम चना हमने लिया है भूनो कर, और यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्च को हमने चॉप कर लिया है। तो इस तरीके से आप जो है सभी को डाल लें, और इसमें जो है गोलकी जाएगा एकदम 1/4 भाग, और यहाँ हमने मिर्च दिया है इसीलिए आप मिर्च अगर चाहें तो दे सकते हैं और नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जो है थोड़ी सी मिर्च पाउडर डाली है, और यहाँ हल्दी, हल्दी तो बहुत ज़रूरी है इसीलिए छोटे चम्मच से हमने 1/2 चम्मच इसमें हल्दी डाला है, ऐड किया है। और नमक जो है स्वाद अनुसार आप इसमें डाल सकते हैं। और सभी को अब जो है मिला लेना है इसको, हल्का पानी देके इसे जो है पकौड़ी का आकार देना है इसे, तो इसे ज़्यादा गीला ना करें। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह मिला लिया है, लेकिन इसमें और बेसन का हमको जरूरत हो रही है, तो आप इसमें अपने देख लीजिए उस अनुसार आप इसमें बेसन को ऐड कीजिए। तो यहाँ हमने कम से कम 100 ग्राम बेसन को ऐड किया है। तो इस तरीके से आप जो है सभी को मिला लें, देख रहे हैं इस तरीके से सब इसमें जा रहा है। ये क्रंची बनने वाला, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और भी क्रंची बने तो इसमें आप जो है चावल का जो आटा होता है उसमें भी आप इसमें जो है 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं, इससे आपका जो लच्छा पकौड़ा है ज़रा क्रंची बनेगा। देख रहे हैं इस तरीके से आपको सेट लेना है, और हमारा अच्छी तरह से तैयार हो गया है अब चले बनाने के लिए। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी जो है नवरात्र का महीना स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। यहाँ पेन हो गया गरम, इसमें जो है आप इतना तेल डालें कि आपका ये लच्छा वाला पकौड़ी इसमें डूब सके। हो गया गर्म, इसी तरह से आप जो है गैस का फ्लेम को मीडियम रखें, और इस तरीके से आप जो है सभी को जिस आकार में आप देना चाहते हैं उस आकार में दीजिए। ये थोड़ा बड़ी बड़ी अच्छी लगेगी इस तरीके से आप डालें। ये हमारा लच्छा वाला पकौड़ी आप जो है किसी भी फेस्टिवल में बना के खा सकते हैं या व्रत में भी आप खा सकते हैं। ये है हमारा टेस्टी टेस्टी लच्छा वाला पकौड़ी। अब गैस फ्लेम को हाई कर दें। तो इस तरीके से आप जो है इसको
आप देखें। और अभी हमारा गैस का फ्लेम हाई ही है, तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ लच्छा वाला पकौड़ी जो है तैयार हो गया। इस तरीके से सभी को आप जो है गोल्डन ब्राउन तक करें, और फिर क्या, और फिर इसे आप जो है सभी को अच्छे से निकाल लें। यहाँ लच्छे की पकौड़ी रेडी हो गई है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये आप किसी व्रत में त्यौहार में खा सकते हैं, तो इसे झटपट बनाइए और खाइए। तो यहाँ जो है चटनी के साथ सर्व कीजिए, या तो आप दही की चटनी के साथ सर्व कीजिए। तो यहाँ है लच्छे वाली पकौड़ी, आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से पकौड़ी है। और फिर क्या, इस तरीके से आप जो है किसी भी ओकेजन में बना सकते हैं, और फिर इसमें आप डुबाइए और फिर इस तरह से खाइए। तो ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा, और एक कमेंट से बताइएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी इसी तरह के और भी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।